आज आज पीछे आ रहा हूं नीचे ऐसे नीचे भरने नहीं नीचे छोड़ दो हम लोग 4 साल से मेडिकल करा के घूम रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, भर्ती बोर्ड अपनी मनमानी रवैया अपना रहा है। सीएम तक से मैं खुद गोरखपुर विकास से मिला था, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। क्या करें, हम सभी अभ्यर्थी 11,786 सब परेशान हैं। इसे तो अच्छा हमको इच्छा मृत्यु दी है। अच्छा, डीएम साहब से क्या मांगी है? डीएम सर को हमने ज्ञापन दिया है, सर हमें इच्छा मृत्यु की परमिशन दी है। इससे तो अच्छा है, जॉब न मिल रही है तो कम से कम इच्छा मृत्यु की है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम सर ने बोला है कि हाँ, हम आपकी आवाज ऊपर तक पहुँचा देंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आप आगे क्या रुकम लाएगा? हम फिर से मामला ये था कि 2013 में 41,610 पदों के लिए भर्ती निकली थी, उसमें 38,315 सफल अभ्यर्थियों को 10 को भेज दिया गया। बाकी जो अभ्यर्थी बचे थे वो कुछ पॉइंटों से रह गए थे, तो हम न्यायालय गए तो उसमें 3285 पर न्यायालय ने फैसला दिया, उस पर 8,678 बच्चे और मेडिकल के लिए बुलाए गए। और सितंबर में मेडिकल हो जाने के बाद अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है और 11,686 बच्चे हैं। डीएम साहब को ज्ञापन देगा, आपने क्या मांग उठाई है? हमने 11,686 बच्चों को नियुक्ति दी जाए, नियुक्ति नहीं दी गई तो हम इच्छा मृत्यु करेंगे। डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने यह कहा है कि हम ऊपर तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे, आपको नियुक्ति पत्र दिलवाएंगे। अगर बात की जाए, आज आप भूख हड़ताल पर हैं, क्या लगता है आपको? प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएं और हमें नियुक्ति पत्र दिलवाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे वो तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और अपनी इच्छा मृत्यु करेंगे।